अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आसान सवाल हैं, इतने मुश्किल सवाल नहीं है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया और साथ साथ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया। साथ साथ चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और 12 जो है, जिसमें से कुछ चैप्टर्स कंटिन्यू है, बाकी तमाम क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आसान से सवाल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द फ्लोइंग सीरीज अप टू इंडिकेटेड टर्म। आपको कुछ सीरीज दिया होगा, उसका कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए याद रखना, हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ फॉर्मूलास होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, इसे सॉल्व करना होता है। तो मेरे पास समीशन, ये जो ई का निशान है ना, ये जो ई जैसा लग रहा है आपको, ये असल में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास समीशन का निशान होता है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास निशान है, समीशन का निशान है, तो सम ऑफ एन स्क्वायर, अगर एन स्क्वायर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मतलब किसी टर्म की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर में होगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ओके। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास समीशन ऑफ एन क्यूब होगा तो वो किसके बराबर होगा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट टर्म क्या होगा, ई एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, कौन से बेसिस पे होगा, ये उस बेसिस पे होगा जब हमारे पास सिंपल नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इन तमाम सीरीज पर, इन तमाम चीजों की मदद से हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो चले आ जाए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये वैल्यू कहां तक जा रही है, 10 स्क्वायर तक जा रही है। देखो ये नंबर्स जो है ये विदाउट गैप के हैं, मतलब एक तरह का नेचुरल नंबर लिखा हुआ है और साथ साथ क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमने बोला था ना कि अगर मेरे पास कोई नंबर हो जिसका स्क्वायर हो, ठीक है, और वो किस सीरीज में लिखा हुआ हो, वो नेचुरल नंबर की सीरीज में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और इस सीरीज को वापस उतार देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना, अब हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे कौन सी वैल्यू मालूम करनी होगी, एन की वैल्यू को मालूम करनी होगी। तो बेटा जो एन की वैल्यू है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला कहता है समीशन ऑफ एन का स्क्वायर, क्या समीशन ऑफ एन का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एन एन प्लस वन, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है टू एन प्लस वन, क्या लिखोगे, टू एन प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, सिक्स आ जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब मेरे पास एन किसके बराबर है बेटा, एन इस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, टेन है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर के बगैर वाला टर्म लेता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो समीशन ऑफ टेन का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, टेन टेन प्लस वन, ठीक है, फिर टू टेन प्लस वन, ठीक है, टू टेन प्लस वन, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट करते जा रहा हूं, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं कि समीशन ऑफ टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा टेन के, टेन प्लस वन किसके बराबर होता है, अलेवन के, टू टेन से ट्वेंटी, और ट्वेंटी प्लस वन किसके बराबर होता है मेरे पास, ट्वेंटी वन के, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास बन करके आ चुकी है। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलो आज इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। जब आप 10 को 11 से कैलकुलेट करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, और फिर 21 से उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर बन करके आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2310, ठीक है। समीशन ऑफ 10 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2310 अपॉन 6, और इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो देखो तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 385। तो समीशन ऑफ 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 385। तो इसको मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। उसी तरीके से ये टर्म भी सॉल्व होगी, क्योंकि इसमें भी क्या लगा हुआ है बेटा, क्यूब लगा हुआ है और कोई भी नंबर गैप नहीं है। जब ऐसा टर्म हो जिसमें कोई भी नंबर गैप ना हो और क्यूब लगा हुआ, तो फॉर्मूला कौन सा होता है, क्यूब वाला फॉर्मूला लगता है। तो क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे, जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को वापसी से
उतार दोगे। ठीक है, तो ये मैंने सवाल को उतार दिया, प्लस प्लस 15 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब मेरे पास एन क्या होगा बेटा, इसके अंदर एन मेरे पास 15 होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ एन का क्यूब। ठीक है, एन का क्यूब किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरे पास एन एन प्लस वन, ठीक है, और इसके नीचे टू और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म आ गई ना, हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो मेरे पास एन की वैल्यू 15 है, तो समीशन ऑफ 15 का क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, 15 15 प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। ठीक है, फिर समीशन 15 का क्यूब मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा प्लस, सॉरी ब्रैकेट लगा, और ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिख देंगे, 16 का क्या हो जाएगा मेरे पास होल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, अब चाहो तो इसको आप काट दो वैल्यू को, तो 2 1 2 हो जाएगा मेरे पास, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, तो समीशन ऑफ 15 का क्यूब मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और उसका क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन 15 क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, 14400। तो ये क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया और हमने इसको आराम से कर लिया। तो चलें आ जाएं इसका पार्ट थ्री को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, वो थोड़ा अलग तरीके से क्या होगा सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसलिए क्योंकि इसमें 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब बीच में एक ना गैप आ रहा है। तो आपने क्या करना होगा, आपने सिंपल सॉल्यूशन लिखना होगा और जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को आपने वैसे ही लिख देना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है। याद रखना जब भी हमारे पास इस तरह का गैप वाली वैल्यू आए ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, और नेचुरल नंबर के साथ वाली गैप वाली वैल्यू आए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको अल्टीमेटिक जो फॉर्मूला होता है ना उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि ए एन की वैल्यू क्या होता है, इसकी एन टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो एन टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन लिखेंगे और क्या लिखेंगे, हमारे जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी होता है। तो बेटा इसमें ए वाली टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म होगी। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास वन है और मेरे पास डी कैसे निकलते हैं, डिफरेंस निकलते हैं, 3 को 1 से माइनस करेंगे, स्क्वायर के बगैर वैल्यू लेना ताकि हम लोग बाद में उसको स्क्वायरिंग कर सकें। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 बचा और मेरे पास n किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ए एन टर्म निकालना है हमें, तो ए की जगह 1 आ जाएगा प्लस एन की जगह एन माइनस वन और डी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 एन जब मेरे पास क्या होता है, 2 एन, और 2 1 जब मेरे पास क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में से 2 गया तो मेरे पास 2 एन तो वैसे ही बचेगा, 1 में से 2 गया तो माइनस का क्या बचा, 1। याद रखना माइनस का 1 बचा है, लेकिन इस सब के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो टर्म थी वो स्क्वायरिंग वाली थी, तो मेरे पास एन टर्म ये बन करके आ गई। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसमें फॉर्मूला लगाना होगा, 2n-1 का स्क्वायर लगा हुआ है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, बताओ जरा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, तो मैं इसको फॉर्मूला में ओपन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2n का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2n, b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 प्लस, और मेरे पास 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4n का स्क्वायर माइनस 2 2 4n हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 1। ये वाली टर्म आ गई ना, अब इसका मुझे क्या निकालना होगा, समीशन निकालना होगा। ठीक है, तो क्या लगाऊंगा, समीशन लगाऊंगा और क्या लिखूंगा, 4n का स्क्वायर माइनस 4n प्लस का क्या, 1। ठीक है, तो अब याद रखना समीशन क्या होगा बेटा, हमेशा हमारे पास नंबर्स के साथ नहीं बल्कि हमारे पास वेरिएबल के साथ लगता है, क्योंकि मेरे पास हमेशा शो किसके लिए आंसर दिया हुआ है, वेरिएबल, समीशन ऑफ एन स्क्वायर, समीशन ऑफ एन क्यूब, समीशन ऑफ एन। तो उसी तरह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा समीशन, लिखूंगा 4 को पहले लिख दूंगा और n का क्या लिख दूंगा, स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस का निशान, फिर समीशन लिखूंगा, पहले 4 लिखूंगा और बाद में क्या लिखूंगा, n, और जब भी कांस्टेंट टर्म होता है तो हम लोग समीशन n का पावर 0 लिख देते हैं, नॉट लिख देते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n का स्क्वायर नॉट लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब याद रखो, अब ये समीशन ऑफ n स्क्वायर है, तो समीशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला में मालूम है, समीशन ऑफ n का फॉर्मूला मालूम है, और समीशन ऑफ n 0 की वैल्यू हमारे पास n ही होती है। तो याद रखते सबसे पहले क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा और समीशन ऑफ n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा उसको लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, n n प्लस 1, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2n प्लस का 1। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है तो मैं क्या लगा देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, माइनस लगाऊंगा, 4 लिखूंगा
और फिर मैं क्या लिखूंगा, समीशन ऑफ एन का फॉर्मूला। समीशन ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन, ठीक है, और नीचे क्या आता है मेरे पास, टू आ जाता है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान है और समीशन एन जीरो है, तो समीशन एन जीरो, जब भी जीरो लगा हुआ हो ना पावर में, नॉट लगा हुआ, तो वो मेरे पास एन के ही बराबर होता है, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दी। यहाँ पे मैंने सिक्स नहीं लिखा था, आप सिक्स भी लिख दिएगा क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, सिक्स मौजूद है। अब क्या करोगे बेटा, टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा क्या हो जाएगा फोर, टू वन जा टू, टू टू जा क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, टू और ये वाली पूरी टर्म एन एन प्लस वन, ठीक है, और यहाँ क्या बच रही है, टू एन प्लस का वन, ठीक है, माइनस का टू एन एन प्लस वन, ठीक है। इसको मिटा लेता हूँ क्योंकि मेरे इस काम की कोई चीज नहीं है, यहाँ फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं आया, तो नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास वैल्यू कट गई है, और प्लस का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, कैसे, नीचे यहाँ पे थ्री था, थ्री लिखना भूलना मत, तो एलसीएम ले लेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, टू एन प्लस वन और टू एन प्लस का वन, ठीक है, थ्री टू जा क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स एन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एन प्लस वन वैसे लिखा जाएगा, ठीक है, और यही वाली थ्री एन से भी मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, थ्री का एन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, थ्री एन हो गया, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, थ्री आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा मैं, थ्री लिख दूंगा। यहां तक तो कोई मस्ते की बात नहीं है ना। अब देखो जरा ऊपर से, यहाँ पे भी एन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एन कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी एन कॉमन आ रहा है, तो मैं ऊपर से एन कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी बेटा, जरा गौर से देखना, कर्ली ब्रैकेट डालूंगा, टू लिखूंगा, क्या बचेगा, एन प्लस वन, ठीक है, ये अला एन कॉमन आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू एन प्लस का वन, ठीक है, माइनस का निशान, यहाँ कॉमन आ जाएगा सिक्स, तो क्या बचेगा, एन प्लस वन, क्योंकि ये एन बाहर निकल गया, और प्लस का क्या बचेगा, थ्री बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मस्ती की बात नहीं है ना, क्योंकि एन तो कॉमन आ गया था, तो एन बाहर निकाल लिया, और नीचे क्या आ गया, थ्री आ गया। अब क्या करना होगा, इसको और सॉल्व करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, एन वैसे ही लिखेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे, टू लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करो, एन टू एन जा कितना होता है मेरे पास, टू एन का स्क्वायर, ठीक है, फिर एन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, वन को टू एन से मल्टीप्लाई करोगे तो टू एन आ जाएगा, वन को वन से करोगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। माइनस का निशान, सिक्स एन जा मेरे पास सिक्स एन, माइनस प्लस माइनस, सिक्स वन जा सिक्स, और प्लस का क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, इन सब के नीचे मेरे पास थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने सबके नीचे क्या लिख दिया, थ्री लिख दिया, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जा रहा है, लेकिन खैर है, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इस टू को भी इन सबसे मल्टीप्लाई कर देना होगा, एन लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, टू 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 से क्या होता है मेरे पास, फोर होता है, तो फोर एन का स्क्वायर, फिर टू को एन से करूंगा तो क्या आ जाएगा, टू एन आ जाएगा, फिर टू को टू से करूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर एन आ जाएगा, फिर टू वन जा टू होता है, माइनस का सिक्स एन, माइनस का सिक्स, प्लस का थ्री, तो मेरे पास किसके बराबर आता है, माइनस का सिक्स प्लस का थ्री, मेरे पास माइनस के थ्री के बराबर होता है, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो एन को वैसे ही रहने दिया, अब देखो वैल्यू को, टू एन प्लस फोर एन किसके बराबर है, सिक्स एन, और यहाँ पे माइनस का सिक्स एन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, टू में से थ्री आएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा माइनस का वन, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, फोर एन का स्क्वायर माइनस का वन, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, बस थोड़ा सा रह गया, अगर मैं इस वाली टर्म को एन लिखूं और इसको टू एन का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। मैंने क्या करा, आपको शायद यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा मिक्स हो गया हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अलग, बल्कि मैं इस पेज में लिख देता हूँ, इसको रब करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि मैंने क्या किया है। मैं एक काम कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास एन लिखा हुआ है, तो मैंने एन को वैसे ही लिख दिया, फोर की जगह मैंने क्या लिखा, टू लिखा, एन लिखा, और इसका क्या लगा लिया, होल स्क्वायर, तो टू टू जा फोर हो जाएगा, और एन का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस वन के ऊपर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, और नीचे क्या लिख दिया, थ्री लिख दिया। बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस का निशान है, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, तो मैं क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा, और इसको एक दफा प्लस में और इसको एक दफा माइनस में लिख दूंगा, कैसे, टू एन प्लस वन, फिर क्या लिखूंगा, टू एन माइनस वन, ठीक है, और नीचे जो थ्री था वैसे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब आ जाएगा, और जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। तो चलिए आज इसका क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर आ गया, ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा जिस तरह से हमने अभी सॉल्व किया था, कैसे,
सॉल्यूशन लिखोगे, लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अप टू एन ट्रम तक जाना है, ठीक है। इसको कहां तक लेके जाना है, एन ट्रम तक लेकर जाना है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं कैसे, पहले ए एन के ट्रम निकाल लेते हैं। तो ए प्लस एन माइनस वन और क्या होता है, डी होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसके अंदर मेरे पास 2 होगी विदाउट स्क्वायर, और मेरे पास डी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 में से माइनस कर देंगे 2, तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। और एन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, एन ही होगी। तो फॉर्मूला में पुट कर दो कि मेरे पास ए एन की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस का निशान, एन माइनस वन मतलब एन माइनस वन ही रहेगा, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 प्लस 2 एन जब मेरे पास 2 एन होता है, और 2 वन जब मेरे पास क्या होता है, माइनस का 2 होता है, प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 2n बचा। तो an की वैल्यू क्या आ गई, 2n, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। तो ये वाली मेरे पास वैल्यू ट्रम बन करके आ गई। जब स्क्वायर आ गया है तो मेरे पास सिंपल ऐसे ही लिखना होगा, कैसे हो जाएगा, 4n का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या ले लेंगे हम लोग, समीशन ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, समीशन, जैसे उस सवाल में क्या था ना समीशन लेने का, तो इस सवाल में भी उसी तरह से समीशन लेना होगा, ठीक है। तो समीशन कैसे लिखते हैं बेटा, 4 को बाहर लिखेंगे, समीशन का निशान डालेंगे, और क्या लिख देंगे, n के स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या लिख दूंगा, n का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। यहां तक तो कोई इशू की बात नहीं होगी। अब हमें मालूम है समीशन n स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है, समीशन n स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास किसके, n n प्लस वन, ठीक है, 2n प्लस वन, और क्या आ जाता है मेरे पास, 6 आ जाता है। तो क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। तो यहां तक किसी को कोई इशू है, यहां तक आप देख लो। तो अब क्या लिखना होगा हमें, हमें लिखना होगा यहाँ पे जैसे 4 लिखा हुआ, 4 लिख दिया, और इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दूंगा, कैसे, n n प्लस वन, ठीक है, 2n प्लस का 1, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट ही लगा दो, और नीचे क्या आ जाएगा, 6, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 2n n प्लस वन, ठीक है, 2n प्लस का 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3। तो मेरे पास इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल था ना, सिंपल सा, जिसे हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं सॉल्व, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 शो था लैंडी, क्योंकि मेरे पास क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना होगा, सॉल्यूशन लिखना होगा, लिखना होगा 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू कहां तक जा रहा है, ये मेरे पास n टर्म तक जा रहा है, ठीक है। तो यहां तक लिख देना। अब सबसे पहले हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा कि ए एन बराबर होता है मेरे पास किसके, ए प्लस एन माइनस वन और किसके, डी के। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1, और d की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 में से माइनस वन कर देंगे, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और n मेरे पास किसके बराबर होगा, n के ही बराबर होगा। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हो जाएगा मेरे पास, मेरे पास हो जाएगा a n, वैसे ही लिखाएगा, a की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन माइनस वन किसके बराबर होता है, n माइनस वन के ही बराबर होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। तो ए एन मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 2n जा 2n और 2n जा मेरे पास 2, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, 2n माइनस का 1, लेकिन इस दफा क्या लगाऊंगा, क्यूब, क्योंकि मेरे पास क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। तो मुझे मालूम है a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब होता है माइनस होता है, फिर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं a स्क्वायर b, फिर प्लस क्या होता है मेरे पास, 3 ए बी का स्क्वायर, और फिर मेरे पास क्या होता है, माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, ए की वैल्यू 2n और बी की वैल्यू 1 है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, 2n का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 लिखूंगा, ए की वैल्यू क्या है बेटा, 2n है, और उसके ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, जबकि बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1, प्लस 3 की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2n है, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस, और 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब लेना होगा, तो 2 का क्यूब मेरे पास क्या होता है, 8, और n के साथ भी क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा, ठीक है। 2 टू जो 4 होता है, और 4 थ्री जो मेरे पास क्या होता है, 12, n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान, 3 टू जो क्या होता है, 6 होता है n, और 1 का क्यूब क्या होता है मेरे पास, माइनस 1 होता है। तो ये मेरे पास ट्रम बनकर आई है। अब इसमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला को पुट करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है, ठीक है। तो चलो आ जाओ समीशन लगा देंगे। तो समीशन लगाएंगे, समीशन लगाने के बाद क्या लिखेंगे कि 8n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n माइनस का 1, ठीक है। अब इन सब के साथ समीशन लगाकर इसकी वैल्यू को क्या करना होगा, हमें सॉल्व लगाएंगे एक एक करके। तो क्या हो जाएगा, समीशन लगेगा
पहले एट लिखाएगा फिर एट क्यू एन क्यूब लिखाएगा, ठीक है, पहले एट फिर एन क्यूब, फिर समीशन इसके साथ भी लगेगा, तो माइनस का 12 पहले लिखाएगा और एन का स्क्वायर बाद में लिखाएगा। इसी तरह से प्लस का निशान डलेगा, 6 पहले लिखाएगा और एन बाद में लिखाएगा, और आखिरी में वह कॉन्स्टेंट टर्म में तो माइनस का निशान लगा के लिखा हुआ है, तो माइनस लगाऊंगा और एन का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, एन जीरो, जब भी कॉन्स्टेंट नंबर होता है तो हम एन जीरो लेते हैं। इन सब के क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो एट को वैसे लिखूंगा, ठीक है। अब मेरे पास समीशन एन क्यूब लगा हुआ है, ठीक है, तो समीशन एन क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, मेरे पास एन होता है, एन प्लस वन होता है और नीचे टू आता है और इसके ऊपर क्या लग जाता है, स्क्वायर, ठीक है। तो पहली टर्म हमने सॉल्व कर लिया, माइनस का निशान 12, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, आपने याद किया था ना, अभी लिखा भी था हमने, एन एन प्लस वन होता है टू, फिर इसका क्या होता है, टू एन होता है ना, तो टू एन प्लस का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरे पास एन के स्क्वायर का होता है। अब क्या लिखा हुआ है, सिक्स लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सिक्स लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एन प्लस एन और फिर एन प्लस वन, एन एन प्लस वन और नीचे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है, और आखिरी में माइनस का क्या आ जाएगा, एन, क्योंकि समीशन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मेरे पास एन ही होती है, ठीक है। माइनस का निशान था तो मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, पहले तो मेरे पास इन सब के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो एट वैसे ही लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट डालूंगा, एन और क्या हो जाएगा मेरे पास, एन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और एन प्लस वन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर वाला स्क्वायर, इसके साथ भी है, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ठीक है, टू टू जा फोर, इसको काट सकते हैं डायरेक्ट, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का टू आ जाएगा और क्या आएगा, एन एन प्लस वन और टू एन प्लस का वन, थोड़ा सा लेंदी सवाल है और सिक्स तो नीचे से कट गया है, ठीक है, यहाँ से भी काट देते हैं, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का थ्री बचेगा और क्या बचेगा मेरे पास, n और n प्लस का वन, ठीक है, नीचे वैल्यू कट गई और आखिरी में क्या आ जाएगा, माइनस का n, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का n लिख दूंगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को भी काट देते हैं, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो मेरे पास क्या बचा, टू एन का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, ठीक है, फिर मेरे पास क्या बचेगा, n प्लस का वन बचेगा, इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस टू एन एन प्लस का वन, फिर क्या आ जाएगा, टू एन प्लस का वन, थ्री एन और एन प्लस वन और माइनस का एन, ठीक है, यहां तक तो कोई इशू की बात नहीं होगा। अब क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एन को कॉमन ले लेंगे, तो एन कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे टू बचेगा और एन बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एन प्लस वन का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का टू बचेगा और क्या बचेगा, एन प्लस वन बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टू एन प्लस का वन, यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ एन बचेगा, सॉरी थ्री बचेगा, तो थ्री लिखूंगा और क्या आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा और माइनस का वन, मतलब एन कॉमन निकल गया तो माइनस का क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉमन लिया है और इसमें कोई चीज नहीं किया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसके वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, फॉर्मूला में जो चीज ओपन हो रहा होगा उसको फॉर्मूला में ओपन करेंगे और जो चीज क्लोज हो रहा होगा उसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि मेरे पास एन है, ठीक है, उसके बाद टू एन को वैसे ही लिखूंगा, कोई चेंजेस नहीं लाऊंगा, ये फॉर्मूला मैं ओपन कर दूंगा, ए प्लस बी के, तो क्या आ जाएगा, एन का स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला में ओपन करा है, ठीक है। अब माइनस का निशान बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टू को तो वैसे ही रहने देता हूँ, एन टू एन जा क्या होगा मेरे पास, टू एन का स्क्वायर हो जाएगा, एन वन जा क्या होगा, प्लस का एन होगा, वन टू एन जा क्या होगा, टू एन होगा, ठीक है, और वन वन जा क्या होगा मेरे पास, वन होगा, फिर से जगह खत्म हो गई, नीचे आ जाते हैं, थ्री को एन से करेंगे तो माइनस का थ्री एन हो जाएगा और प्लस प्लस क्या होता है मेरे पास, प्लस ही होगा, थ्री वन जा क्या होगा, सॉरी माइनस का थ्री नहीं होगा, प्लस का थ्री होगा, प्लस का थ्री, थ्री एन से होगा तो प्लस का थ्री, और थ्री वन जा मेरे पास क्या होगा, थ्री होगा, और माइनस का वन जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं बेटा, टू एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन तो वैसे ही लिखाएगा, टू एन मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा टू एन का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर इसी टू एन को टू एन से करेंगे तो फोर हो जाएगा और एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान, टू एन वन जा मेरे पास क्या हो जाएगा, टू एन हो जाएगा, ठीक है, सबको एक दूसरे से क्या कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया। फिर माइनस का निशान, टू टू जा क्या हो जाएगा, फोर, एन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, टू एन जा क्या होगा मेरे पास, टू एन होगा,
टू टू जा क्या हो जाएगा, मेरे पास फोर हो जाएगा, लेकिन एक बात को याद रखना कि मेरे पास माइनस का निशान है, ठीक है। माइनस टू एन जा टू एन का, माइनस का फोर एन का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होगा, टू एन जा मेरे पास क्या हो जाएगा टू एन हो जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस होगा, ठीक है। टू टू जा क्या हो जाएगा फोर एन हो जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस होगा, टू वन जा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली पूरी टर्म को हमने लिख दिया, और आखिरी में क्या बचा है, प्लस का थ्री एन प्लस का थ्री, ठीक है, प्लस का थ्री एन प्लस का थ्री और माइनस का वन, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जो वैल्यूज कट रही होगी उसे क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है। किस तरह से, टू एन का क्यूब तो हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्यूब वाला आंसर नहीं है, लेकिन प्लस का फोर एन माइनस का फोर एन प्लस का टू एन माइनस का टू एन है, इसको क्या हो गया हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब देख लो कोई और टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो रही है, अब देख लो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई वैल्यू कट रही है कि नहीं कट रही, इसको भी देख लेते हैं। मेरे पास क्या बच रहा है, एन बच रहा है, टू एन का क्यूब बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस का फोर एन प्लस का थ्री एन, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का एन बच जाएगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का टू माइनस का वन थ्री हो जाएगा और प्लस का थ्री, तो बेटा ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, इसमें से मैं क्या ले लेता हूँ, एन को कॉमन ले लेता हूँ। अगर एन को कॉमन लूंगा तो एन मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा, एक तो एन पे हटा उसके बाद एक और एन हो गया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टू एन का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू एन माइनस वन। तो ये क्या हो गया, मेरे इस सवाल का जवाब हो गया, और मैंने आपको करके दिखा दिया। तो हमने क्वेश्चन नंबर फाइव को भी सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन क्लिक करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।